राजधानी रांची के पुराना विधानसभा के अपने आवासीय परिसर में झारखंड के बोरियो विधायक लोबिन हेमरेम ने प्रेस वार्ता के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि 5 फरवरी को होने वाले झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा और वर्तमान नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के समर्थन में रहेंगे। वही आदिवासी जनमुदा जैसे खतियान आधारित नीतियाँ पेशा एक्ट शराबबंदी के साथ झारखंड राज्य के अलग होने के मूल उद्देश्य से मूलवासी आदिवासियों के जल जंगल और जमीन की रक्षा इन विषयों पर राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी विभिन्न बिंदुओं पर निशाने पर लिया। साथ ही कहा कि इन मुद्दों पर हम हमेशा आंदोलनरत रहेंगे। देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है, तो मैं खुश हूँ और भाई तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ, दूंगा कल। लेकिन इस नई सरकार में मेरा कुछ ऐसा मुद्दा है जो हम शुरू से यहाँ सदन के अंदर बोलते रहे। सबसे पहले तो ये झारखंड सरकार पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा जो छत्तीसगढ़ का शराब मॉडल शराब बेचने का काम इन्होंने शुरू किया, और उस दिन मैंने विधानसभा के अंदर में इसका विरोध किया था गुरुजी के सम्मान में, और सदन से बाहर भी हमने इस बात को रखा कि हमारे माननीय गुरुजी सारे मजहब के लोगों को हर जगह नसीहत देते रहे हैं कि शराब से थोड़ा दूर रहा करो, लेकिन ये सरकार ने नहीं माना। और आज मैं इस नई सरकार में, माननीय चंपई सोरेन जी की सरकार में, मैं इनसे भी आग्रह करता हूँ, ये मेरा एक मुद्दा है कि आप जितना जल्द हो यहाँ शराब बिक्री नहीं हो, नशाबंदी इसको लागू करें, पहला ये है। और दूसरा है पी पेशा एक्ट, जो 1996 केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के टाइम में ही दिया गया, लेकिन राज्य अलग होने के बाद झारखंड में, बिहार में नशाबंदी लागू हो गया था, थोड़ा भूल रहे थे, ठीक है, लेकिन झारखंड में नहीं हुआ। और ये पी पेशा एक्ट जो यहाँ के लोगों का मूल कवच है, आज ये शेड्यूल एरिया बना। आखिर शेड्यूल एरिया क्यों बना? ये शेड्यूल एरिया में खास करके आदिवासी और मूलवासियों का जमीन कैसे बचेगा, और वहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा जो ग्राम संचालित होता है, पी पेशा एक्ट लागू होने के चलते, नहीं लागू होने के चलते वो कमज़ोर पड़ रहा है। ये पी पेशा एक्ट सरकार इसकी तत्काल घोषणा करे कि हम इसको लागू करेंगे। उसके साथ साथ ये राज्य जो अलग हुआ यहाँ के मूलवासी यहाँ के आदिवासियों के लिए, और अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे लोग लड़ाई लड़े थे, बलिदानी लोगों ने दी थी, खून बहाया था, बहुत लोग फांसी के तख्ते पर ही लटके, तो संथाल परगना में SPT एक्ट बना और छोटा नागपुर में CLT एक्ट बना। और इस एक्ट के अधीन नियम के मुताबिक यहाँ का ज़मीन ट्रांसफरेबल नहीं है और न सेलेबल है, लेकिन यहाँ राज्य अलग होने के बाद इस बात को भी हमने सदन में रखा था, और इसके लिए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक स्पेशल सत्र के अंदर में ही उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन उसका भी कुछ फलाफल नहीं रखा, नहीं हुआ, जिसमें सभापति रखा गया था स्टीफन मरांडी जी को, मात्र एक मीटिंग या दो मीटिंग बुलाए थे। बाद में जिला से हम लोगों ने जो DC वगैरह को हम लोगों ने मांगा था रिपोर्ट कि आपके ज़िले में कितना कितना ज़मीन का ट्रांसफ़र इधर उधर हुआ है, उसका प्रतिवेदन देंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो
तो आज वहाँ SPT एक्ट भी लागू नहीं है और CNT एक्ट भी लागू नहीं है। जब बना बनाया हुआ एक्ट है, हमारे लोगों के खून के दौलत लिखा गया था कि यहाँ पर CNT एक्ट है, वहाँ SPT एक्ट है, तो इसको ताक में रख करके यहाँ जमीन का अधिग्रहण धड़ल्ले से चल रहा है। ये भी मेरा मांग रहेगा माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से, विनय चौबे फिर से आए हैं प्रधान सचिव, आप वो उनका काम है, वो मेरा काम नहीं है। अच्छा दादा ये बताइए, मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल चाहते हैं या ठीक है? देखिए उनका काम है, नहीं आपकी आपकी चाहत होगी ना, आप विधायक सलाह वो अपना चुन के ले, बढ़िया आदमी को ले, चलाए बढ़िया से, ठीक जो है वो ठीक नहीं है, है? वो है क्या है ना, वो उसका तर्जुमा करेंगे ना। भी मंत्री बनना चाहते हैं? नहीं, नहीं नहीं चाहते नहीं। क्या आप क्या चाहते हैं? चर्चा आई कि लोबी नेवर करें संथाल से किसी को, क्यों नहीं वो हम विचारेंगे ना, लेकिन इच्छा नहीं है आपका, इच्छा नहीं है। अभी कुछ हुआ ही नहीं यार, कोई घोषणा हुआ ही नहीं है, कौन सा पोर्टफोलियो और उसका आपको लालच नहीं है, बात तो कोई इधर बतला जाइए पंडित जी। क्या लोबिन हेमब्रम को इस बात का भी डर है कि बजट सत्र जो संभवतः 23 तारीख से होने वाला है, बजट सत्र में भी हर दिन सरकार को बहुमत साबित करना होता है, मनी बिल गिर जाता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उस दौरान भी विधायकों को इसी तरीके से सर्किट हाउस में रखा जाए, या आपको लगता है कि आपको जरूरत सर्किट हाउस में कौन रखने वाला, हम तो जाएंगे रोज, हम तो डेली जाएंगे, हम क्यों सर्किट हाउस जाए, हम क्यों हैदराबाद जाए, मैं विधायक हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, हाउस चलेगा मैं हाउस में रहूँगा, हाउस नहीं चलेगा फिर अपना काम धंधा में रहेंगे हम। गुरुजी से मिलकर क्या डिमांड किया? देखिए गुरुजी से बहुत दिनों से हम नहीं मिले थे, इच्छा थी, बट ये वाफो की स्थिति में तो ठीक भी नहीं लग रहा था, मैं शाम में आया और आज मैं गया गुरुजी से, बिना बिना बुलावे मैं गया, क्योंकि मैं गुरुजी का शिष्य हूँ, गुरुजी का चेला हूँ, मैं गुरुजी से मिला, बातचीत हुई, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, कैसे खाना वाना खा रहे हैं, खाले हाथ रो इलाज ठीक है, बगल में सेतु रखा हुआ था उनको पियोगे, हम सेतु पिए और हाल चाल लेकर के फिर हम निकल गए, इतने ही। अच्छा आप एक एडवाइस दीजिए कि कौन सा काम मुख्यमंत्री को सबसे पहले करना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर SPT एक्ट CNT एक्ट को सख्ती से उतारे, और यहाँ जो सरकार जो शराब बेच रही थी, सरकार शराब न बेचे, गुरुजी का सम्मान बचा हुआ रहे। शराब पूर्ण शराबबंदी मांग कर रहे हैं या सरकार नहीं बेचे, कंपनी बेचे तो बेचे? सरकार नहीं बेचे। अच्छा। जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने बेचा अपने से। ठीक है। ये दो काम होना चाहिए, ये दो काम होना चाहिए, SPT, CNT, राजस्थानी नीति, नियोजन नीति और भी पैसा है। थैंक यू। ठीक है दादा। का आज तक वैकेंसी नहीं निकला, आपका स्थानीय नीतिकरण, स्थानीय नीति आपने बनाया नहीं, एक भी वैकेंसी आपने निकाला नहीं, तो इस नई सरकार से हमारा उम्मीद है, हमारा भरोसा है, हम दिल खोल करके समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं करे तो फिर बाद में देखा जाएगा, हम तो आंदोलन करेंगे और हमारा मांग ये सब। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सरकार को बहुमत नहीं है, फ्लोर पर गिर जाएगी, विधायकों की संख्या नहीं। देखिए वो तो फ्लोर पर साबित होना ही है, आप देखिए कल ही था, कल आप देख लीजिए फ्लोर पर साबित होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर जो विकल्प होगा देखा जाएगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से हमको दर्द है, हमको दुख है, वो हमारा भतीजा टाइप का एक लड़का जो था, हमको बराबर चाचा चाचा बोलते थे, और मैंने उनको शुरू में ही कहा था, जिस समय मैंने News 18 में मैंने बोला था पंकज मिश्रा के बारे में, उस समय हमने कहा था, तो उन्होंने हमको दूसरे दिन तलब किया, बुलाए हमको अपना चैम्बर में, और उन्होंने कहा क्या क्या चाचा बोलते रहते हैं, विपक्ष को मौका मिलता है, मैंने कहा देखिए मैं गुरुजी की बदनामी और आपकी बदनामी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, आपको कुछ लोगों ने आपको बदनाम कर दिया, यही काफ़ी है, आप समझ लीजिए, और नहीं तो आप मुख्यमंत्री आप पता करवा लीजिए अगर लोबिन हेमब्रम झूठ बोलता है। बहुत देर के बाद बोले कि अच्छा ठीक है हम देखेंगे, हम बोले कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और ये उनकी जितनी गलती है उससे ज़्यादा गलती उसका जो सलाहकार लोग है, उसके जो सलाहकार है अगल बगल में है, एक है पिंटू है, इसके बाद सुप्रिय भट्टाचार्य है, विनोद पांडे है, मैं तो बराबर इस बात को बोलता हूँ, सच्चाई में क्या है, मैं बराबर इस बात को बोला है, लेकिन संज्ञान में नहीं लिए, आज अंततः
उसको जेल जाना पड़ा। सुझाव दिए थे कभी कि ये सलाहकार अच्छा होगा? मतलब नहीं नहीं सलाह हम क्या सुझाव, हम तो इतना बता देते कि आप बदनाम हो गए, बदनाम कर दिया आपको, अभी भी समय है, समय रहते आप कुछ करिए, लेकिन नहीं किया, आज जिसके चलते आज जेल जाना पड़ा, हमको तकलीफ है, लेकिन ये बढ़िया सलाहकार नहीं रखे, बढ़िया सलाहकार इनको मिला नहीं और खोजे भी नहीं, जिसके चलते आज ये सब। तो वो जब जेल राज जा रहे थे आप क्षेत्र में थे, आप पार्टी के ग्राम सभा कहीं भी, ये भी मेरा प्रश्न आया था सदन के अंदर में कि यहाँ पर जितना खान खदान चल रहा है वो बिना ग्राम सभा के ही चल रहा है, फर्जरी कहीं की तो फर्जरी बताया था, तो ये ग्राम सभा बिना ग्राम सभा के इस शेड्यूल एरिया में बहुत सारा खान खदान वगैरह सब चल रहा है और जमीन अधिग्रहण हो रहा है, और हम इस सरकार से ये भी मांग करेंगे कि यहाँ पर विस्थापन आयोग का गठन हो। आज कितने लोग विस्थापित हो चुके हैं, अभी धनबाद में आप जाएंगे जो ज़मीन के मालिक है उसके खेत के नीचे, उसके खेत के नीचे ज़मीन के नीचे कोयला है, अबरक है, तांबा है, यूरेनियम है, लेकिन इतने लोग विस्थापित हुए हैं, बहुत लोग ट्रेसलेस हो गए हैं। तो मैं इस सरकार के सब नई सरकार से मांग करता हूँ कि आप विस्थापन आयोग का गठन करें ताकि यहाँ के लोगों को जगह मिले और अपना रह सके। तो आज विस्थापन आयोग का भी गठन नहीं हुआ, आज आपके माध्यम से इस नई सरकार को हम ये अपना डिमांड हम बता दे रहे हैं ताकि उसकी तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और इस पर विचार करें और इसको यथाशीघ्र झारखंडियों के हित में, मूलवासियों के हित में लागू करें। लोविन हेम्ब्रम को क्या लगा? आज यहाँ स्थानीय नीति नहीं बना, कौन है स्थानीय है अभी तक उसका चिन्हितकरण नहीं हुआ, तो स्थानीय नीति नहीं बना तो फिर आप कैसे चिन्हित कर सकते हैं यहाँ का कौन है? तो 1932 का खतियान हो या अंतिम सर्वे सेटलमेंट हो, आप इसको एक आधार बना करके स्थानीय नीति लागू करिए, और स्थानीय नीति लागू होगा तो नियोजन नीति भी लागू होगा। शिवू सोरेन जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात है? शिवू सोरेन जी, देखिए गुरु जी के पास हम गए थे मिलने के लिए, मैं गया था, बहुत दिनों से नहीं मिला था, और मिलने के बाद हाल चाल पूछे, उन्होंने भी हमको पूछे कि कैसे हो, हमने ठीक ठाक है, इसके बाद बगल में सत्तू रखा हुआ था, बोले सत्तू पियेंगे, तो हम गुरु जी बोले कि ऐसा रखिए कि आप पी लो, हम सत्तू पी लिया और हाल चाल पूछ कर और कुछ। दादा जो जंगल जमीन तो आपने डिमांड रखा, समर्थन रहेगा तो फिर उसको सब चेंज किया। जिस दिन पहला चला ना, ये पड़ोसन तो किधर चले गए? ये बगल में तबीयत खराब है उसका। अरे क्या हुआ? सॉरी का हां, अभी कौन की तबीयत ठीक नहीं है। एलोग्राम नशे उठते बना उठते कोई से वाल में जो फोटो वायरल किया ना अरे ऐसी खींच लिए थे फोटो। दादा बताए कि हम सही में नाटक करके पटक इधर उधर फेंके थे। लेकिन बढ़िया था वो इधर पूरा। अच्छा वहाँ वहाँ भी सुनते हैं कि सबको अलग अलग है खेल। आज शाम को क्या कर रहे हैं? तो बिरयानी कटता है। किसका पैसा था? अरे बड़े ये केक का पैसा घट गया। यानी केक नहीं है, किसका पैसा? सबसे पहले आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग पक्का टाइम पर 3 बजे पहुँच चुके हैं। अब उधर हल्ला गुल्ला करते हैं नहीं ठीक से, हमने कहा था कि हमारा शर्त है अगर वो सरकार उस शर्त को माने तो ठीक है, नहीं तो हम इसके बाद क्या करेंगे? रह करके वही बात, खाली वही चला दी और बाकी रोक दिया। विजय जी ने ना कुछ प्रोवाइड करें ना, क्या है विजय जी?